तो पार्ट पांच रियल नंबर का, प्रमेय का किसे कहते हैं? तो प्रमेय का जैसे ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, स्वयं सिद्ध या अभिगृहित, ऐसा कथन जो अपने आप में साबित किया हुआ रहता है, तो प्रमेय का भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कथन है, जो ऑलरेडी साबित किया हुआ रहता है और इसको सत्य मान करके अगला कथन साबित किया जाता है। अभिग्रहित पढ़ा है ना ज्योमेट्री में, इसी टाइप की बात इसमें है। लिखो तो आंसर। देखो इन दोनों बातों को तू लोग समझो। पहली बात, प्रमेय का किसे कहते हैं, तू बोल दिए। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिस कथन को आधार बनाकर अन्य कथन सिद्ध किया जाता है। ज्योमेट्री में तुम लोग को अभिगृहित या स्वयं सिद्ध बतलाए थे ना, तो उसमें एक कथन को साबित किया नहीं जाता है। कथन दो तरह के होते हैं, एक कथन वैसे होते हैं जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी बोल दिया जाए दिन है, तो इसे साबित करना नहीं है, बल्कि सब अपनी आँखों से देखो। दिन के उजाले में ही हमें दिखाई देती है, रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देती है, तो ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है। दूसरी बात, एक कथन होता है जिसे सिद्ध करना पड़ता है, जिसे ज्योमेट्री में तू लोग पढ़ा है, साबित करे कि या सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सेम कहानी होती है। तो प्रमेय का एक ऐसा स्टेटमेंट है, कथन है, जिसे साबित नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये स्वयं सिद्ध होता है, अपने आप में साबित किया हुआ रहता है, और इसी को आधार बनाकर आगे वाला कथन को, स्टेटमेंट को साबित किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में ज्योमेट्री में तू लोग पहला अभिगृहित या प्रमेय का क्या पढ़ा था, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको मान करके हम लोग चलते हैं तो अगला थ्योरम साबित होता है। तो सेम प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिस कथन को आधार यानी बेस बना लेंगे और उसी कथन के आधार पर अगली बात को साबित करेंगे। तो ये हो गया प्रमेय का। अब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो इसको समझो। अगर कोई धनात्मक संख्या दिया हुआ हो, दो ठो धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक यानी पूर्ण अंक कितने तरह के होते हैं, सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है, मान लो ये शून्य है तो शून्य के आगे धनात्मक होती है ना, और शून्य के पहले ऋणात्मक, तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक, तो शून्य के बाईं ओर
ऋणात्मक और शून्य, न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, ये भी बतला दिए हैं। तो कहने का अर्थ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है किन अंकों के लिए सही है, तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए, जो इसका अर्थ है शून्य भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य से आगे वाली संख्याओं के लिए ये कथन सही है। तो देखो, अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ हो, तो इसका मतलब शून्य से आगे की संख्या एक से लेकर के अनंत तक की संख्या धनात्मक पूर्णांक होगा। इसमें से कोई दो ठो छांट लो, दो धनात्मक पूर्णांक, तो मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, कुछ भी दो धनात्मक पूर्णांक खाली होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। और पूर्णांक की परिभाषा बतला दिए हैं, अंश बटा हर को पूर्णांक तब कहेंगे जब हर का मान एक हो, अंश का मान कुछ भी हो, है ना? ऐसी बात 5.3 पूर्णांक है, नहीं है, क्यों नहीं है, इसको अंत में तोड़ेंगे तो ये 53/10 अंक यहाँ हर के रूप में 10 आ गया, इसलिए ये पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक का मतलब अंश बटा हर में हर का मान एक होना चाहिए। जैसे कहेंगे क्या 5 पूर्णांक है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, अंश बटा हर, हर एक है, इसीलिए 5 पूर्णांक है। फिर कहेंगे 6/3 पूर्णांक है, तो इसलिए है क्योंकि कट करके 3 × 3 = 2/1 = 2 हो गया, अंश बटा हर, हर के रूप में एक छिपा है, इसीलिए 6 पूर्णांक है या 6/3 पूर्णांक है। ये सब पहले वाला पाठ में हो चुका है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रकार का कथन है जिसको मान कर चलना होगा, ये कथन सही है, नहीं सही है तो टेस्ट करके देख लो, बिल्कुल सही है। इस प्रमेय का को आधार बना करके आगे की बात साबित की जाएगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, तो यह दो धनात्मक पूर्णांक पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऋणात्मक नहीं, अपूर्णांक नहीं, बल्कि धनात्मक होना चाहिए और पूरा पूरी अंक होना चाहिए। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्ण अंक यानी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए सही है। तो इसके अनुसार क्या बात है, तो इसके अनुसार बात यह है, मान लो कोई अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ हो, यानी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो ए और बी का कुछ मान होगा, जो मन हो, खाली धनात्मक पूर्णांक मान लो, मान लो ये 5 मानते हैं, ये 8 मानते हैं, ये 3 मानते हैं, ये 12 मानते हैं, या यही 25 मानते हैं, इसी को मान लेते हैं 12, कुछ भी माना जा सकता है। तो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो तरह का, तो ए का मान अधिक हो सकता है, बी का मान अधिक हो सकता है, ए का मान जो होगा बी का मान भी वही हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। इसका 4 लेंगे तो इसका भी 4 ले सकते हैं, इसका 24 लेंगे तो इसका 6 ले सकते हैं, इसका 25 लेंगे तो इसका 7-8 जो इच्छा हो ले लो, यानी कोई दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लो 5 और 8 ही दो धनात्मक पूर्णांक लिए, तब कहता है अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ हो, तो दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं, अद्वितीय संख्या का मतलब ए और बी के कारण दो तरह की संख्या उत्पन्न होगा और फिर तीसरे तरह की संख्या नहीं होगा, यानी अद्वितीय संख्या किसे कहते हैं, देखो जैसे मान लो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 छोड़ करके कुछ नहीं होगा, ना तो इससे कम होगा ना ज्यादा होगा, इसीलिए अपने आप में 12/3 का जो रिजल्ट आ रहा है 4, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं होगा, किसी को एक ही बेटा है, कोई दूसरा बेटा नहीं है, इसके लिए अपने आप में अजूबा है, अद्वितीय बेटा है, मेरे बेटा जैसा कोई नहीं दुनिया में, किसी के पास घर है तो अपने टाइप का घर है, घर अजूबा है, उसके लिए अद्वितीय घर है। तो इसी तरह दो संख्या कोई अगर दिया रहे तो दोनों के कारण दो तरह की संख्याएं प्राप्त होगी, इन दोनों के कारण एक संख्या प्राप्त होगी तुमको क्यू और दूसरा संख्या प्राप्त होगा आर, और ये अपने आप में ऐसी संख्या होगा क्यू का जो मान होगा ये फिक्स मान होगा, आर का भी मान फिक्स होगा,
अर्थ ये है, अगर दो संख्या ए और बी दिया हुआ हो तो ऐसी दो संख्याएं प्राप्त होगी क्यू और आर के रूप में जिसके बीच में क्या संबंध रहेगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये संबंध रहेगा। कहोगे ये संबंध का अर्थ क्या हुआ, अगर ए और बी दो संख्या दिया हुआ हो, दो धनात्मक पूर्णांक, तो ए और बी के बीच में एक संबंध होता है, दो संख्याएं प्राप्त होती है क्यू और आर। तो क्यू और आर क्या है, ए और बी क्या है, किस टाइप की संख्या है, तो संख्या ये है, जैसे मान लो ए का मान 5 लिए, बी का मान 8 लिए, समझा, या मान लो एक का मान बड़ा लेंगे, एक का मान छोटा लेंगे, या दोनों का बराबर ले सकते हैं, लेकिन ए है तुमको याद रखना, ये बीच वाला भाज्य ए, बी हो गया भाजक, तो भाज्य का मान अधिक होगा तब न कम से भाग लगेगा जी। तो दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, किस टाइप का, ऐसा होना चाहिए ए और बी के रूप में, जो ए का मान बड़ा होगा बी का छोटा होगा, बीच वाला ए आ जाता है भाज्य, तो ए बड़ा होगा बी छोटा लेंगे, तब ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट प्राप्त होगा कहता है भागफल के रूप में क्यू प्राप्त होगा और शेष के रूप में आर प्राप्त होगा। यहाँ पर याद करो संबंध, बी गुने क्यू, बी क्यू जोर आर बराबर ए होता है। अगर बी का मान मान लो यहाँ ले ले हम, बी ए का मान मान लो ले लेते हैं 15, बी का मान 4 लेते हैं, तो 15 में 4 से भाग दो, तो 4 किया 12, शेष घट करके आर हो गया 3। तो देखो 4 गुने 3 यानी बी का मान 4, क्यू का मान 3, जोर शेष 3, 4 किया 12, 3 15, बीच वाला आ गया जी। बीच वाला है ए, ये 4 हो गया बी, 3 हो गया क्यू, जोर आर हो गया 3 हो गया, तो ये एक संबंध हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो तो इन दोनों के कारण एक तीसरी और चौथी संख्या प्राप्त होती है, जिसमें संबंध क्या होता है, तो ये संबंध हो जाता है, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले भी कुछ चर्चा करते रहते हैं ना, इसका किए है ना जी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अगर दो धनात्मक पूर्णांक, ये देखो 15 और 4 धनात्मक पूर्णांक है दिया हुआ हो, तो दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r इस तरह प्राप्त होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकल गया जी। इसी का नाम हो गया तुमको क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें एक बात और होती है, यहाँ देखो इतना होता है, जहाँ शून्य से बड़ा हमेशा आर होगा, इसका अर्थ समझ रहे हो ना, कोई भी भागा हम लोग देंगे ये तो प्राप्त होता है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर क्यू और आर कैसे प्राप्त होता है, इस फार्मूला के तहत। इसमें भी क्या शर्त है, ए का मान ए हमेशा शून्य से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन शून्य लिखेंगे, शून्य से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर भागा दोगे मान लो 17 में 4 से भागा दो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए और बी जो धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो दोनों में एक संबंध प्राप्त होता है, जिसके चलते एक तीसरी संख्या प्राप्त होती है क्यू, जैसे या यहाँ पर मान करके चलो 14 अलग अलग प्राप्त होगा, 4 किया 12, यहाँ 2 हुआ, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेते हैं, तो एक अद्वितीय यानी बिल्कुल अलग तरह की संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है, जिसमें संबंध क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये आर जो है ना, जहाँ आर
आर जो है हमेशा शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ये आर का मान दो आया है ना, जी। ये शून्य से बड़ा है तो देखो ए सॉरी आर 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 का मान हमेशा शून्य से बड़ा होगा। आर दो आया है शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर होगा, ऐसे कर देंगे तो इसका क्या अर्थ हुआ? आर आर शून्य से बड़ा है, दो तीन है ना, या इसको ढको तो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है, तो शून्य के बराबर होगा आर या बड़ा होगा। तो ऐसे देखो इसको 16 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, आर का मान शून्य हुआ, शून्य से माइनस में कभी आएगा ही नहीं। जैसे इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20 घटाएंगे तो आर का मान आएगा -4, ये भागा गलत है। यानी आर का मान या तो शून्य आएगा या शून्य से बड़ा होगा, इतना तय है। तब सवाल पैदा होता है या तो शून्य आएगा या शून्य से बड़ा आएगा। तो अगर 16 में हम 4 से भाग देते हैं तो आर का मान कितना आता है, आर बराबर शून्य आता है। ये हो गया तुमको कौन सी, ये बी, आर है शून्य बी है 4, तो बोलो आर बड़ा की बी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा। तो शर्त में ये है बी बड़ा होगा हमेशा आर से, आर जो है या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा। तो शून्य के बराबर होता है या देखो शून्य के बड़ा होता है आर का मान कभी भी। लेकिन यहाँ भी देखो आर है 2 और बी है 4, तो बी बड़ा है, 4 बड़ा है 2 से, तो बी हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए। समझ गया ना, कोई भी भागा दोगे तो यही रिजल्ट आएगा, आर हमेशा या तो शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। और दूसरी बात, बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। ये पुलिस विभाजन प्रमेय का तू लोग समझा, इसको उतार लिया है ना। देखो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये एक नया चीज है जो इसी प्रमेय का पर आधारित है। उदाहरण इसका समझा तू लोग, यानी किसी भी हालत में अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक तुमको 7 है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लो 35 है, तो इसका मतलब बड़ा वाला मान ए होगा, बीच वाला भाजक, और ये छोटा वाला मान बी होगा। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें संबंध क्या होगा, इसके चलते एक नई दो नई संख्या प्राप्त होगी। जैसे नई संख्या प्राप्त होगी जिसे हम एक को क्यू कहेंगे, दूसरा को आर कहेंगे, और इस तरह चारों संख्या में क्या संबंध हो जाएगा, संबंध होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान हमेशा बी से कम, बी बड़ा रहेगा आर से, रहेगा ना, या आर का मान शून्य के बराबर या शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। यही है तुमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो तू लोग यहां तक इसको लिखो। देखो इसी पर आधारित जो आगे काम आने जा रहा है, ये दिया हुआ है, यानी R greater than 0 and equal to 0, यानी R greater than 0, शून्य से बड़ा भी है, ऊपर से इसको ढको तो शून्य के बराबर भी है। इसका अर्थ हुआ R या तो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है, तथा B से छोटा है, B बड़ा है ना R से, इसका मतलब R B से छोटा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए पढ़ेंगे R greater than and equal to, समझे, R is greater than शून्य या R equal to 0, या तो R शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, B से। तो इसको पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे, देखो आर या तो शून्य के बराबर है, पहले बराबर है वाली बात, देखो आर या तो शून्य के
बराबर है या तो बराबर है या शून्य से बड़ा है, बड़ा है लेकिन बी से छोटा छोटा है, ऐसे पढ़ेंगे समझा। कहता है बी का मान तीन है तो आर का मान निकाले। देखो यहाँ संबंध है जीरो से बड़ा है आर, आर ये संबंध है ना, बी बराबर तीन यानी और शून्य ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन, बी का मान कितना है बी बराबर तीन है तो यहाँ तीन लिखेंगे। अब आर का मान निकालना है, देखो आर या तो शून्य के बराबर है ना, यहाँ आर बराबर या तो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है, तो शून्य के बराबर है तो आर या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा या एक होगा शून्य से बड़ा या दो, लेकिन तीन बड़ा है आर से, आर तीन नहीं हो सकता है, या तो आर का मान शून्य होगा या एक होगा या दो होगा। इसको समझा इस पंक्ति को बोल समझे, चलो इसको भी उतारो। अगला टॉपिक रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है पार्ट छ में।